नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के पुतली घर इलाके में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। बठिंडा के डीएवी कॉलेज के समक्ष विद्यार्थियों में हुई लड़ाई, दो विद्यार्थी बुरी तरह से हुए घायल। जालंधर के ज्योति चौक के नजदीक शराब के नशे में धुत कार चालक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी कार से दूसरी कार को मारी टक्कर। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के पुतली घर इलाके में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब वहां स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के ऊपर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस दौरान आग की लपटें इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने शोरूम के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक गोदाम और दुकान में पड़ा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जलकर राख हो गया। इस मौके पर दुकान के मालिक का कहना था कि दिवाली का सीजन नज़दीक होने के कारण उनके द्वारा गोदाम में काफ़ी एक्स्ट्रा सामान मंगवाया हुआ था, लेकिन आग लगने के कारण उनका सारा सामान जलकर राख हो गया है, जिस कारण लगभग उनका 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी, मेरा नाम हर्ष है, असी सेवा साड़ी फार्म गेट अवस्थी राम तो आए हैं। सानू थोड़ी देर पहला तलाह मिली थी कि ग्वालमड़ी चौंक के गली नंबर 3 किसी जगह से अग लगी है। जो असी मौके के रस्ते पहुंचे हाँ तो गड्डी कट्टे लगे, सानू इतों के जो समाज सेवक ने वरुण सरीन उन्हों का टेलीफोन आया कि अग बहुत ज़्यादा, तुम गड्डिया कढ़ा दौ। मौके से कारपोरेशन दी गड्डियां, सेवा साड़ी फायर ब्रिगेड दी गड्डियां मौके पर पहुंच चुकिया सी। 5 गड्डियां 6 गड्डियां लगी हुई हैं जिहड़ियां कि अग करन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अजे तक सानू ऐ नहीं पता कि अग किस तरह लगी है। किस चीज़ की फैक्ट्री अंदर जिहड़े फ्रिज पए हुए हैं जिहड़े सानू नज़र आ रहे हैं, उन्होंने गैस भी लीक हो रही है। बाकी अग बुझाने की कोशिश जदों दे आए हैं उदों दे अग बुझाने की कोशिश लगे हुए हैं। मामला देखो, जिहड़ी अग लगी है उह शॉर्ट सर्किट कह रहे हो, बाकी इहदी वेरीफिकेशन हो जाएगी। अग बहुत ज़्यादा है, पहले ही अग बुझाने का काम जिहड़ा वो चलन दिया है वो कर लीए, बाद च नहीं। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, परमात्मा करे ना होवे। गत दिनों बठिंडा के डीएवी कॉलेज के सामने विद्यार्थियों में हुई लड़ाई में दो विद्यार्थी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं लड़ाई की ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही है, जिसमें दो विद्यार्थियों को 15 से 20 लड़के बुरी तरह से पीट रहे हैं और तलवारें, लाठी व रोड से लगातार वार कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपचार अधीन विद्यार्थियों ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ गेट के पास खड़ा बातें कर रहा था, उनके साथ उनका दोस्त भी था। इस दौरान एक लड़का वहां पर आया और उसकी बहन को कमेंट कर वहां से निकल गया, जिसका उसने विरोध किया। इसके थोड़ी देर बाद ही जब कॉलेज से छुट्टी होने के बाद वह बाहर निकला तो लगभग 25 लड़कों ने तेजधार हथियारों से लैस होकर उन पर हमला कर दिया, जिस कारण वह और उसका दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए। इसलिए पीड़ित ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि उक्त लड़के नशा करते हैं और कॉलेज के बाहर से हैं। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। जालंधर के ज्योति चौक के नज़दीक शराब के नशे में धुत कार चालक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, यहां तक कि नशे में धुत युवक ने अपनी कार से किसी दूसरे की कार को टक्कर भी मार दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ बदतमीजी भी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना डिवीज़न नंबर 4 के पुलिस अधिकारी हीरा लाल ने बताया कि ज्योति चौक के नज़दीक नशे में धुत युवक ने अपनी तेज़ रफ्तार कार से किसी व्यक्ति की कार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद युवक ने अपनी कार की चाबी को लेकर काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसे देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान पुलिस ने कार को कब्जे में लेते हुए युवक को भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद युवक का मेडिकल करवाया गया और बनती कार्यवाही भी की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ज्योति चौक के कोल चेन्नई के लागे जरा चेन्नई एक्सप्रैस डोसा मार्केट है, बनाई हुई दुकान
ਉਹਦੇ ਚਿਤਰ ਪਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਡੋਸਾ ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PVG9A ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ। ਜਦ ਉਹ ਚਿਤਰ ਪਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੂਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ GK ਪਾਸੇ ਲੱਗੂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕੁਛ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀਗੇ। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित यस बैंक की बिल्डिंग की बेसमेंट में अचानक आग लग गई, जिसके बाद तुरंत वहां मौजूद कर्मचारियों ने बिल्डिंग में मौजूद अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि बेसमेंट में जनरेटर पड़ा हुआ था, इस दौरान जब लाइट चली गई तो उसे चलाया गया, जिसके बाद उसमें से धुआं निकल गया और आग लग गई, जिसे कर्मचारी अग्निशमन यंत्रों से बुझाने की कोशिश करने लगे। वहीं मौके पर पहुंचे फायर कर्मी राजेंद्र ने बताया कि उन्हें फोन पर इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद वह गाड़ी लेकर मौके पर तुरंत पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर कुछ नहीं, ये जनरेटर लाइन चला गया था। हाँ। तो जनरेटर ऑन हुआ अपने आप, डाका उटाका हो गया सर। अच्छा। बाद में धुआं शुरू हो गया तो सारे बंदे को ना हम लोग बोलने लगे कि सर ये धुआं धुआं हो रहा है। हाँ। तो बाकी सारे आया नीचे तो पूरी धुआं हो गया सर। तो नीचे थले कोई बेसमेंट है ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਏ, ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਹੁਣ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੱਕ। ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। अमृतसर के घी मंडी चौक में शराब के ठेके के बाहर एक निहंग सिंह के वेश में नौजवान की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें नौजवान नशे में धुत नजर आ रहा है। तो वहीं वीडियो बनाने वाले व्यक्ति द्वारा निहंग सिंह के वेश में नौजवान से सवाल पूछा जा रहा है कि वह शराब के नशे में धुत है, जबकि उक्त नौजवान का कहना था कि उसने शराब का नशा नहीं किया है। लेकिन जिस अंदाज में उक्त युवक वीडियो में बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने किसी न किसी प्रकार का नशा जरूर किया है। अब देखना यह होगा कि निहंग सिंह के वेश में नशा किए नौजवान की वीडियो वायरल होने के बाद निहंग सिंह जत्थेबंदियां क्या एक्शन लेती हैं। गौरतलब रहे कि कुछ दिन पहले सचखंड श्री दरबार साहिब के नज़दीक बीड़ी पीते नौजवान का निहंग सिंहों द्वारा कत्ल कर दिया गया था। तो वहीं अब दूसरी तरफ अमृतसर की घी मंडी के नज़दीक शराब के ठेके के बाहर निहंग सिंह नौजवान की इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल तो ज़रूर उठेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। शराब ही हुई बाबा घ्यो मंडी चौक खाने ठेके बाहर वेख्या शराब पी हाल। ਆਹ ਕੋ ਜੀ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2022 को 60 अफगानी सिखों के जत्थे ने भारत आना था, लेकिन उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप साथ लाने के लिए रोकने के कारण वे भारत नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि यह अफगान शासन द्वारा सिखों के धार्मिक मामलों में सीधा दखल है। इसकी और अधिक जानकारी देते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर सिखों और श्री गुरुद्वारा साहिबान पर हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें भारत वापिस आने के समय पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को साथ लाने से भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को सिखों की भावनाओं के विरुद्ध फैसले नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट धामी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें और सिखों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध अफगानिस्तान सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को रोकें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जड़े उथे सिख रह गए सीगे वो भी हिंदुस्तान आउण दी चाहत सी, उन्होंने क्योंकि उत्थे गुरु साहब ग्रंथ साहब जी प्रकाशमान सन, उन्हां दी ख्वाहिश सी कि अहीं जे जाणा ते नाल गुरु महाराज नूं वी नाल ही खड़ना है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जे उत्थों सिख आ जाण तां उत्थे गुरु ग्रंथ साहब नूं रखणा मुश्किल है, क्योंकि उत्थे देखभाल नहीं हो सकदी। इस करके उत्थों दे सिखां ने जिहड़ी उह वापसी समें हिंदुस्तान आउण समें उन्हां ने जिहड़े उह महाराज स्वरूप जदों लै के चलन लगे तो उत्थों की सरकार ने उन्होंने रोक दिता कि ये साडा प्रोटोकॉल नहीं। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब आ वो सिखा दे हिरदियां च वसदा, सिख इनू गुरु मान्यो ग्रंथ जदों सिखा नू गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हां नू गुरु ग्रंथ साहिब तिलक ला दिता, इनू गुरु मान लिया, इनू ये वचन सिखा नू आदेश करता कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। पंजाब में डीसी कॉम्प्लेक्स में कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, तो वहीं दूसरी तरफ इस वजह से डीसी कॉम्प्लेक्स का सारा कामकाज बंद रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला प्रधान डीसी कॉम्प्लेक्स एम्प्लॉयज यूनियन तेजेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर वे सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले सरकार ने उनसे बहुत से वादे किए थे, परंतु अब ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान हिमाचल और गुजरात के चुनावों पर है, लेकिन सरकार ने पंजाब में जो वादे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान ना दिया तो आगे वे अपने संघर्ष को और तेज करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के घर का घेराव भी करेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये जी धरने प्रदर्शन आ कला जलंधर में ना होकर पंजाब के पूरे डीसी दफ्तर 11 बजे से 2 बजे तक धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जड़िया साड़िया मुख मंगा है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, कच्चे कामें पक्के करना, सुपरडेंट ग्रेड 1 दी प्रमोशन करना, सुपरडेंट ग्रेड 2 दी प्रमोशन करना, डीसी दफ्तर के कर्मचारियों 5% प्रशासकीय पत्ता देना, एक जिले तो दूजे जिले जाने वाले कर्मचारियों NOC जारी करने, 50 साल की उम्र पूरी कर चुके जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर पदउन्नत करने लिए टैस्ट की छोट हटाने, जोड़े साढ़े दूजे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर ने उन्होंने सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर प्रमोट करने लिए टैस्ट ना लैके सीनियरता मुताबक प्रमोशन करनिया, डीसी दफ्तर के नॉर्म्स के मुताबक असामिया की रचना करना, तो नवा स्टाफ भेजना, ये साड़ियाँ होर भी काफ़ी मंगा ने जिन्होंने लैके असं धरने प्रदर्शन पूरे पंजाब दे विच कर रहे हैं। बठिंडा की खेता सिंह बस्ती में 2 चोरों को लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान चोरों को पकड़ने वाले लोगों का कहना था कि उक्त चोर उनकी दुकान और घरों में लगातार चोरी करते आ रहे थे, जिनकी 2 दिन पहले वीडियो भी वायरल हुई थी। इस संबंधी उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उक्त चोरों को एक बार पकड़ा और दोबारा छोड़ दिया, जिसके चलते चोरों ने एक टेंट हाउस से 40,000 से 50,000 का सामान चोरी किया और इसकी वीडियो भी CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब इन दोनों चोरों को पकड़ लिया गया
और मौके पर जिन घरों और दुकानों से चोरी की गई थी वह मालिक भी मौके पर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ उक्त चोरों ने पत्रकारों को बताया कि वे नशे की पूर्ति करने के लिए चोरी करते थे और चोरी का सामान कबाड़ी को बेच देते थे। इस दौरान चोरों ने माना कि वह आगे से चोरी नहीं करेंगे और बठिंडा शहर ही छोड़कर चले जाएंगे। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। अपना 3 नंबर गली परसान नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਂਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਤੀਲੇ, ਟੱਬ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਤੇ ਕੜਾਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ? ਉਹ ਆਪਣਾ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, 40-50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕੇਤਾ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਗਿਆ। नौजवानों की प्रतिभा में निखार लाने के लिए और उनके जीवन में तय किए उद्देश्यों को हासिल करने के काबिल बनाने में आकाश बायजूस इंस्टीट्यूट अहम योगदान दे रहा है। गौरतलब रहे कि बायजूस हर साल सैकड़ों विद्यार्थियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में अपना अहम योगदान देता है। देश भर में नीट और जेई एडवांस की परीक्षा में इस संस्था के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी के तहत संस्था के विद्यार्थी अनमोल गर्ग ने देश भर में 19वीं रैंक हासिल कर राज्य के साथ साथ अपने अभिभावकों का नाम भी रोशन किया है। इस मौके पर आकाश बायजूस जालंधर की ओर से टॉपर्स रैली का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के विद्यार्थियों और फैकल्टी सदस्य शामिल हुए। इस दौरान आकाश बायजूस के कंसल्टर बिजनेस हेड विवेक ने बताया कि उनकी संस्था पिछले एक दशक से जालंधर में अपनी सेवाएं निभा रही है। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आकाश बायजूस के बहुत अच्छे रिजल्ट आने की वजह से ये हम रोड शो कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हमारे शहर के जो टॉपर्स हैं, अनमोल रैंक 19 नीट एंड मृदुल रैंक 148 जेई एडवांस, उनके सम्मान में ये रोड शो ने ऑर्गेनाइज किया है, ताकि शहर के और बच्चे भी देख सकें और उन्हें देखकर मोटिवेट हो सकें कि उन्हें किस तरह से आगे पढ़ाई करनी है, क्या करियर पाथ चूज करना है। कितने बच्चे हैं जो अचीवमेंट वाले बच्चे? तो बहुत सारे हैं फिलहाल, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी उसके चक्कर में 5 से 6 बच्चे हमने बुलाए हैं रोड शो में। बाकी वो बच्चे जो सेलेक्ट होने वाले हैं भविष्य में, वो सब के साथ में कंपनी कर रहे हैं। बाकी सर हमारे साथ, हम आने वाले समय में जितने बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं उसमें हम अपना प्लांटेशन भी करेंगे। तो अभी तो हमने जैसा पूरे स्टेट रैंक 2 है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है और ऑल इंडिया रैंक 19 है। मृदुल गुप्ता 1,148 रैंक है उसका, 148 रैंक है जेई एडवांस में। और बाकी बच्चे जिनका रैंक 680 से ऊपर है, उन सबके सम्मान में जैसा सर ने कहा, असिस्टेंट डायरेक्टर सर ने कहा, उसलिए हमने ये रैली करी है। हम यहाँ से पूरा नकोदर चौक से फुटबॉल चौक होते हुए मॉडल टाउन पूरा आएंगे, ताकि लोगों को और बच्चों को और प्रेरणा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके कि आगे आने वाले टाइम में कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और कितने कॉम्पिटिशन इज वेटिंग फॉर देम। पंजाब के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी रखने के डीजीपी गौरव यादव के आदेशों के बाद जालंधर जिले में भी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी के आदेशों पर जीओ रैंक के अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा लिया, जिसके चलते गत दोपहर एसएसपी स्वरणदीप सिंह और डीसीपी अंकुर गुप्ता ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें धार्मिक स्थलों पर जाँच के लिए भेजा। यह सुरक्षा अभियान दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चला, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से सुरक्षा संबंधी बातचीत भी की गई। इस दौरान एसएसपी स्वरणदीप सिंह और डीसीपी अंकुर गुप्ता ने सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी पर संदेह हो तो तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पूरी तरह से दुरुस्त रखें और सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी कम से कम 1 वर्ष तक संभालने का प्रयास करें। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मानजोग कमिश्नर पॉल जालंधर जी के हुक्म अनुसार, दिशा निर्देशों अनुसार, शहर में धार्मिक स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च आदि की सुरक्षा यकीनी बनाने लई ये जी चैकिंग हर रोज़ की जाती है, ता कि कोई माड़ा अंसर या कोई गैर समाजी तत्व कोई गैर कानूनी कार्रवाई ना कर सके। ह्यूमन राइट्स एमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन द्वारा जेलों में बंद बंदी सिखों के साथ साथ बाकी धर्मों के जेलों में बंद कैदियों के मानव अधिकारों को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर एसोसिएशन की पंजाब प्रधान जसविंदर कौर सोहल ने कहा कि उनकी एसोसिएशन सभी धर्मों के लोगों के मानव अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही है।
ना केवल बंदी सिखों बल्कि बाकी धर्मों के लोग जो कि जेलों में काफ़ी वर्षों से बंद हैं और जिनकी सज़ा पूरी हो गई है उनकी रिहाई के लिए राष्ट्रपति से जल्द मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदी सिखों की रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी तो किया लेकिन उस नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उनके एसोसिएशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं और वे हर धर्म के लोगों के लिए और उनके मानव अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है और जब उन्हें राष्ट्रपति समय देंगे तो वह सभी की रिहाई और उनके मानव अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अज असी इतने गल तो बंदी सिंह की रिहाई की बंदी सिंह की रिहाई की ही कर रहे हैं लेकिन साडा यह मनना है कि अज अगर उन्होंने नाम के पिछे सिंह लगा है बंदी सिंह ने तो कल अगर कोई हिंदू भी आता है बंदी या कोई मुस्लिम या कोई ईसाई वर्ग तो भी आता है तो मनुखी अधिकार संगठन सारियां लिए इक्वैलिटी है सारियां लिए एक है। असी उदन भी इतने बैठ के इवें ही आवाज़ चुका बहुत सारे उपराले किए गए हैं। श्री अमृतसर साहिब के कैंडल मार्च किए गए हैं डीसी साहब न मिलया गया है ईवन कि हूँ मैं राष्ट्रपति जी ने भी लीगल जो प्रोसैस है वो सारा कर चुकी हाँ मेल कर चुकी हाँ मैनू हूँ उतों जब वो टाइम देंगे ने अपना फिर मैं उन्होंने जाके मिलांगी और मैं बंदी सिंह की रिहाई के लिए गल करांगी ईवन कि जोड़े होर धर्मां के भी बंदी ने मैं उन्होंने डिटेल्स भी कढ़वा रही हाँ उन्होंने बारे भी उन्होंने गल की जाएगी। देखो यह तो जो बंदी सिंघा का जो मुद्दा है ना इस टाइम पूरे वर्ल्ड के बड़ा ही पखिया पिया है क्योंकि हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। बाकी जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने या कुछ सिख जथेबंदियां ने या SGPC वालों बहुत वधिया उपराले किए जा रहे हैं असं उन्हों का स्वागत करते हैं क्योंकि यह लड़ाई मनुखता की है जिहड़ा भी हिस्सेदार बनता है बड़ी वधिया गल है कि वो अगे आ रहे हैं तो असी तहे दिलों धनवादी भी हाँ क्योंकि असी सोसायटी के लिए एक चंगे काम करना साडा फर्ज बनता है और देश दे विच जिहड़े फंडामेंटल राइट्स ने संविधान के अकॉर्डिंग अधिकार सारियां लई बराबर ने। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है जिसके चलते भाजपा नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका की ओर से मान सरकार की 6 महीनों की कारगुजारी पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हुई है और 6 महीनों में मान सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि इन 6 महीनों में यह पता चल गया है कि संगरूर से जहां भगवंत मान अपनी सीट खुद हार गए थे उससे पता चलता है कि मान सरकार ने 6 महीनों में लोगों के दिलों में कितना राज किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 6 महीने आम आदमी पार्टी की सरकार नू पंजाब च हो गए मैं समझना है कि ये 6 महीनों च पंजाब बहुत सारे घटनाक्रम से त्रासदी चो गुजरिया है। लॉ एंड आर्डर की समस्या वधी गैंगस्टरवाद वध्या है बेरोजगारी वधी है लोग अपना घर नहीं बना सकते रेत बजरी दे रेट आसमान नू छू गए और अज हालात यह है कि जिहड़ी झूठ की राजनीति है बई 6 महीनों के विच उच्च बढ़ावा आया है जिन्ना झूठ 6 महीनों च बोलिया गया शायद पूरे वर्ल्ड च उन्ना झूठ नहीं बोलिया गया और जिन्नी बुरी तरह नाल ए सरकार फेल हुई है और संगरूर वर्गा इलेक्शन जिथे भगवंत मान की अपनी सीट होवे ओ भी लूज कीती होवे ते लोकां च विश्वास खुस गया होवे मैं समझना है कि 6 महीने जिहड़े है ए त्रासदी दे है पंजाब की बर्बादी दे है और ए फेल सरकार साबित। बठिंडा के सरकारी अस्पताल में सेहत विभाग की ओर से पल्स पोलियो रैली निकाली गई। ये रैली बठिंडा के सिविल अस्पताल से शुरू होकर अलग अलग बाजारों से होती हुई वापस सिविल अस्पताल में आकर संपन्न हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने संबंधी जागरूक करना था। इस मौके पर सिविल सर्जन उषा गोयल और पल्स पोलियो विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है? मैं डॉक्टर पामिल बंसल इस वेले मैं SDIO वर्क कर रही हूँ इतने बठिंडे। अपने 18, 19, 20 तरीक नू पल्स पोलियो का आप राउंड कर रहे हैं। वैसे तो ये पूरे कंट्री दे विच नहीं हो रहा पर अपना बठिंडा ज़िला सारे बच्चे 0 से लेकर 5 साल के जिन्ने बच्चे 1,54,000 बच्चे अपना जिन्होंने आप कवर करना तो बूथ एक्टिविटी भी करांगे। संडे नू अपने बूथ लगन गए जिवें आप नैशनल राउंड करते हैं तो उदू बाद 2 दिन घरों घरी टीम्स जाके सारे बच्चों दवाई पिलानगियां
तो तुम भी अपने बच्चों बूथ पर लैके आओ हुमुम आके ताकि बच्चों आप चंगी तरह सारिया डोजेज जड़िया उन्होंने बनदियाँ दे सकी। अज असी पल्स पोलियो के संबंध में रैली कढ़न जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने वास्ते कि लोग सारे अपने अपने बच्चों 0 to 5 years तक के बच्चों बूथ पर आके दवाई पिला के जान ताकि सारे बच्चों पोलियो मुक्त रखा जा सके। वैसे तो पोलियो इरेडिकेट हो चुका है इंडिया चो पर फिर भी अपना ये करने वास्ते कि दोबारा पोलियो ना आ जाए उस वास्ते ये मुहिम चला रहे हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है होशियारपुर में, जहां एक 70 वर्षीय महिला महेंद्र कौर को उसके पारिवारिक सदस्यों ने नकारा समझकर लावारिस छोड़ दिया, जबकि इस समय उसे देखभाल की अधिक जरूरत थी क्योंकि उसका चूल्हा टूटने के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थी। लेकिन महेंद्र कौर की उस समय आस बंधी जब बाबा दीप सिंह सेवा सोसाइटी की ओर से उसे सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉक्टर स्वाति ने उक्त महिला के इलाज का सारा खर्च खुद उठाकर हड्डियों के माहिर डॉक्टर मनमोहन सिंह कैले से उसका ऑपरेशन करवाया, जिस कारण मरीज महेंद्र कौर की अब जिंदगी जीने की आस बन गई है। इस मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि उनके पास बाबा दीप सिंह सेवा सोसाइटी के सदस्य उक्त मरीज को लेकर आए थे और SMO की मदद से उसका ऑपरेशन किया गया है जो कि अब बिल्कुल ठीक है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। ये एक बुजुर्ग जिन्हों का परिवारक मैंबर कोई नहीं हैगा, इन्हों सिविल अस्पताल विखे लिया गया सगा, इन्हों के चूल्हे पर फ्रैक्चर हो गया सगा, इन्हों का कोई नाल नहीं सगा। जिहड़ी साडी सोसाइटी बहुत सेवा करती है गढ़दीवाला तो बाबा दीप सिंह जी सोसाइटी, वो इन्हों की देखरेख करते हैं, सारा इन्हों रोटी पानी तो साफ सफाई करते हैं। SMO साहब के डॉक्टर स्वाति डॉक्टर सुनील भट्ट जी इन्हों के सहयोग नाल इन्हों जो प्लेटा पैनिया सगिया तो उन्होंने मदद के नाल सारा इन्हों का प्रबंध किया गया। बाबा जी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, वो हुण कोई तकलीफ नहीं महसूस कर रहे, वधिया ऑपरेशन होने पर जिहड़ी दवाई आ रोटी पानी आ सारा उन्हों का मुफ्त मिल रहा। और सोसाइटी वाले इस मरीज लिए नहीं होर मरीजों लिए भी जदों कोई किसी नाल नहीं हुंदा बहुत वधिया तरीके नाल सेवा करते आ तो सानू सहयोग। इन्हों का चूल्हा टुट गया सीगा, ये तुर नहीं सकते सके, उहदे विच असीं प्लेटां पा के इन्हों का चूल्हा ठीक होणे चल फिर सकेगा कि महीने दे विच चलणगे। भाई गुर इकबाल सिंह द्वारा चलाए जा रहे माता गुज्जर कौर जी भलाई केंद्र सरा रोड जंडियाला गुरु में एक विशेष गुरमत समागम करवाया गया। इस समागम की शुरुआत श्री जपजी साहिब जी और चौपाई साहिब जी के पाठ के साथ की गई, जिसके उपरांत माता गुज्जर कौर जी भलाई केंद्र के MD भाई नरेंद्र सिंह के रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया, जिसके पश्चात समागम में बीबी कौला जी डिग्री कॉलेज के बच्चों को DSP जंडियाला गुरु कुलदीप सिंह, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र वीर सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर पहले दूसरे व तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल कुलविंदर कौल सहित कॉलेज का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के पुतली घर इलाके में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। बठिंडा के DAV कॉलेज के समक्ष विद्यार्थियों में हुई लड़ाई, 2 विद्यार्थी बुरी तरह से हुए घायल। जालंधर के ज्योति चौक के नजदीक शराब के नशे में धुत कार चालक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी कार से दूसरी कार को मारी टक्कर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।